हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास टेंथ का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री में, ठीक है, तो उस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, सो आपका ये साइंस का फर्स्ट चैप्टर है और ऑब्वियसली बात है केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो देखिए चैप्टर का नाम है जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसको बताने के पहले थोड़ा सा हम एक आइडिया ले लेते हैं एक्चुअली हम चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस जैसे बोलूँ आपसे मैं क्या होते हैं, तो अल्टीमेटली देखो यार हमारे पास जो टोटल आपको पता है 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं और आपका जो टोटल ये होल वर्ल्ड है एक्चुअली, तो ये जितने भी मैटर्स हैं इसमें हाँ वो अल्टीमेटली इन्हीं 118 एलिमेंट्स से मिलके ही सभी फॉर्म हुए हैं। ठीक है, आप कोई भी देखो कुछ भी है अगर है तो उसमें इनमें से कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर वो उन्हीं से बना होगा। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली मैं बोलना चाहता हूँ कि आपके इन्हीं 118 एलिमेंट्स में ही ये पूरा जो मैटर हम लोग देखते हैं इन्हीं एलिमेंट से ही मिलके फॉर्म हुआ है। और देखिए आपको पता है एटम्स मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो मॉलिक्यूल जब किसी दूसरे मॉलिक्यूल या सेम मॉलिक्यूल से कंबाइन करते हैं कुछ, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं, अल्टीमेटली हम उनको बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस होती है वहाँ पे। उसमें मैं बाद में आता हूँ केमिकल रिएक्शंस क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, बट अभी हम एक्चुअली जान लेते हैं कि रिएक्शंस का इंपॉर्टेंस क्या है। थोड़ा ये चैप्टर एक्चुअली हम लोग जो नाम है इसका टाइटल है वो हम पढ़ क्यों रहे हैं थोड़ा सा। हाँ, सो केमिकल रिएक्शंस में बारूँ आपके उसके बारे में बात करूँ मैं, तो सिंपल सी बात है कि देखिए हमारे जो डेली लाइफ में हमारे बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं। डेली लाइफ में हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस से एक्चुअली हम लोग सराउंडेड भी होते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ द जो रिएक्शंस होती हैं केमिकल रिएक्शंस ही होती हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स में बात करूँ अगर, लाइक हम लोग ऑक्सीजन गैस इनहेल कर रहे हैं या रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी सिंपल एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, जैसे आपका देखा आपने अपने आसपास की कोई आयरन का ब्लॉक है वो कुछ दिन ऐसे ह्यूमिड एयर अगर एटमॉस्फेयर में रखा रहा तो क्या होता है, रस्टिंग उसमें हो जाती है ना, वो रस्टिंग में सिंपल एक केमिकल एक्चुअली रिएक्शन होती है। अब से बोलूँ मैं, आप देखिए सोप यूज़ करते हो वाटर में जब तो डालते हो तो उसमें जो उसका जो एक सिंपल फोम बनता है तो वो भी वहाँ पे जो चेंजेस होते हैं वहाँ पे सिंपल केमिकल रिएक्शन चलती हैं। ठीक है, आपने सिंपल कोई मिल्क है उस मिल्क को आपने क्या किया कि बहुत लॉन्ग टाइम थोड़ा कुछ घंटे के लिए हाई टेम्परेचर पे अगर ऐसे छोड़ दो तो क्या होता है वो उसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा हो जाता है। हाँ, हम बोलते हैं खट्टा हो गया है, तो एक्चुअली उसमें भी वो जो टेस्ट चेंज होता है बिकॉज ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अल्टीमेटली देखो कुछ लाइक आपका कोई फूड वगैरह है, फूड आइटम है या कोई फ्रूट्स वगैरह हैं, उनको आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर ऐसे रखते हो ओपन एनवायरनमेंट में तो वो भी क्या होते हैं वो जस्ट उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है, हम बोलते हैं ख़राब हो गया, तो वहाँ भी एक्चुअली अल्टीमेटली कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ बेसिकली कि जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस जो पहला टर्म है उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केमिकल रिएक्शंस से हम लोग एक्चुअली घिरे हुए हैं। ठीक है, आप हमारी बॉडीज़ में हम लोग फूड लेते हैं उसके बाद वो धीरे धीरे ब्रेकिंग होकर डाइजेशन होता है। ठीक है, तो वो डाइजेशन भी अल्टीमेटली आपका एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, वहाँ पर कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्वमेंट होता है जैसे बोलूँ मैं, और केमिकल रिएक्शंस और केमिकल्स से ही एक्चुअली हम लोग घिरे हुए हैं। आप देखो कुछ कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस भी होती हैं, जैसे हमने क्या हुआ कि कुछ बीमार पड़ गए तो हमने क्या किया, टेबलेट लिया, दवा लिया, वो मेडिसिन भी होती हैं, ड्रग्स जो होते हैं वो भी अल्टीमेटली कई कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का पार्ट होते हैं, वहाँ पे कई स्टेप्स में उनका हम प्रोडक्शन करते हैं एक्चुअली आपके लैब्स में, तो वहाँ पे भी क्या होता है केमिकल रिएक्शंस ही चल रही होती हैं अल्टीमेटली, उसके बाद आपको ये फाइनल प्रोडक्ट मिलते हैं जिनको आप इनटेक करते हो एज अ ड्रग्स। ठीक है, तो बस इम्पॉर्टेंट बात यह है कि केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली आप धीरे धीरे जब जैसे जैसे इसको पढ़ते जाओगे चैप्टर को या हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो केमिस्ट्री को आप जानोगे, एक्चुअली केमिस्ट्री से हमारा पूरा लाइफ पूरा सराउंडेड है, हमारी आसपास और इवन खुद में बॉडीज़ में बहुत सारे जो चेंजेस होते रहते हैं बिकॉज ऑफ ओनली केमिकल रिएक्शंस। तो ये सिंपल ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन था कि केमिकल रिएक्शंस हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उनका। ठीक है, अब मैं आपको एक्चुअली
हमने बात कर ली केमिकल रिएक्शंस का ये इंपॉर्टेंस है, और यहाँ पे कुछ ऐसा चेंज हुआ तो हम बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया या कुछ चेंज हो गया, तो क्या ये केमिकल रिएक्शन है? तो आपका दिमाग में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस कब होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है, या कोई केमिकल चेंज हुआ है। तो बस मैं आपको फर्स्ट एक टर्म से स्टार्ट कर रहा हूँ, चेंजेस से, जैसे आप थोड़ा सा फैमिलियर भी हो गए शायद, प्रीवियस क्लासेस में आपने शायद पढ़ा हो, तो उन चेंजेस की बात कर लेता हूँ मैं। एक्चुअली आपके चेंजेस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे हम दो टाइप के चेंजेस पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं हम फिजिकल चेंजेस, क्या बोलते हैं बोलो, एक को बोलते हैं फिजिकल चेंजेस, और आपका दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस, ठीक है। अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज ये क्या होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो मैं आपको पहले फिजिकल चेंज के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। फिजिकल चेंज क्या है, अगर किसी सब्सटेंस या किसी मटेरियल में ऐसा चेंज हो रहा है जिससे कि वहाँ पर कोई नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो रहा है, ओनली क्या हो रहा है कि उस सब्सटेंस का सिंपल या तो शेप चेंज हो रहा है, उसका अपीयरेंस चेंज हो सकता है, उसका जो साइज है वो चेंज हो सकता है, बट उसका जो केमिकल कंपोजिशन होगा ना, अल्टीमेटली कंपोजिशन, इट मींस जिन जिन एलिमेंट्स से जिस जिस अमाउंट में वो मिलके बना है, उन एलिमेंट्स के अमाउंट में और उनकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। ओनली जो चेंज होगा बोलो किस में होगा, उनके अपीयरेंस में, हाँ, उनके साइज में, उनके सिंपल आपके जो साइज़ के साथ साथ उनका शेप होता है वो भी चेंज हो सकता है, ठीक है, बट अल्टीमेटली उनमें जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होगी। ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। इट मीन्स वहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो जाएगा, डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बन गया, लाइक पहले कुछ और था और कुछ चेंज हुआ तो वहाँ पे एक नया प्रोडक्ट मिल गया, ऐसा नहीं होगा। उसी में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, इवन वो सब्सटेंस का आपका स्टेट भी चेंज हो सकता है, ठीक है। स्टेट मीन्स समझते हो ना, सॉलिड लिक्विड गैस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, वो भी चेंज हो सकता है। जैसे मैं आपको देखिए एग्जैक्टली इसको थोड़ा सा डीप में कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको पहला एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिंपल, लाइक जस्ट इमेजिन कि हमारे पास एक मेरे पास पेपर है, ठीक है। अब देखिए इस पेपर को आप ध्यान से देखिए, एक सिंगल पेपर है, अब इसको आप देखिए इसका जो अपीयरेंस है, हाँ, जो इसका एक सिंपल साइज है ये आप देख सकते हो। इसको मैंने क्या किया, सिंपल टियर किया, इसको आप और थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और पार्ट्स में डिवाइड कर दो, आई थिंक इतना सफिशेंट है। अब देखिए मैं इसका एक पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। अब इस पार्ट के बारे में बात करूँगा, इस पार्ट में देखिए कि क्या वो जो पेपर था ओरिजिनल पेपर, एक जो फुल शीट का पेपर था, उस पेपर का जो एक्चुअली जो मटेरियल था, जो कंपोजिशन थी, क्या वहाँ पर और यहाँ पर उस कंपोजिशन में कोई डिफरेंस है? क्या आपको एग्जैक्ट वही पेपर का जो कंपोजिशन है, मटेरियल है, यहाँ पर दिख रहा है? बिल्कुल। यहाँ पे केवल चेंज क्या हुआ बोलो, इसका अपीयरेंस या बोलूँ मैं साइज चेंज हो गया है, नॉट एग्जैक्टली अपीयरेंस, साइज वो इतना बड़ा था, अब यहाँ पे क्या हुआ ये इसको हमने स्मॉल साइजेस में ब्रेक कर लिया है, ठीक है। तो ब्रेक करने के बाद देखो इसका जो कंपोजिशन है ना, केमिकल जो इसका एक फॉर्मूला होगा, जो सब्सटेंस है उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं हुई है, यहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हुआ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है, जो था वही कंपोजिशन का, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या हुआ है, इसके साइज में डिफरेंस हुआ है, ठीक है। तो यही हम बात कर रहे थे एक्चुअली, कि अगर साइज में डिफरेंस हो रहा है, हाँ, उसके शेप में डिफरेंस हो रहा है, तो हो सकता है कि वो क्या है बोलो, फिजिकल चेंज ही होगा, ठीक है, ओनली फिजिकल चेंज ही होगा। मैं शेप में बोलूँ, जैसे कोई लाइक प्लास्टिक का बॉल है, तो उसको आप क्या करो, प्रेस करके उसका शेप चेंज कर दो, तो प्रेस करने के बाद जो आपका अजीब सा बॉल दिखेगा, तो क्या बताओ जो ओरिजिनल बॉल था प्लास्टिक का और ये बॉल जो बना आफ्टर प्रेसिंग, तो क्या उसमें कोई उसकी केमिकल जो कंपोजिशन है उसमें चेंज आएगा? उसमें चेंज नहीं आएगा, चेंज केवल किस में आएगा बोलो, उसके शेप में। तो अल्टीमेटली नया कोई यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है, तो कोई भी नया अगर प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे एक्चुअली, यहाँ पर कौन सा बोलो चेंज हुआ है, फिजिकल चेंज, ठीक है। तो फिजिकल चेंज में सिंपल याद रखना, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे केवल होगा क्या, आपका अपीयरेंस चेंज हो सकता है, हाँ, उसका साइज चेंज हो सकता है, उसका शेप चेंज हो सकता है, बट
उसमें कोई नया प्रोडक्ट बनेगा? बिल्कुल नहीं. ठीक है, आई थिंक बहुत सफिशिएंट आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है क्या होते हैं फिजिकल चेंजेस. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं. तो अगर मैं आपके एग्जांपल्स बोलूं, तो फर्स्ट जैसे हमने लिया टीयरिंग ऑफ पेपर भी एक एग्जांपल है. हाँ, लाइक अच्छा सिंपल मैं बोलूँ स्टेट की बात कर रहा तो लिखो मेल्टिंग ऑफ वाटर. इसे मैं स्टार्ट करता हूँ इसी से, मेल्टिंग ऑफ आइस, सॉरी मेल्टिंग ऑफ आइस. आइस है, ठीक है, देखो यहाँ पर लाइक यहाँ पर आइस रखा हुआ है. आपने अभी बात थोड़ा बहुत इसको हीट किया, हीट करने के बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल ऐसा ऐसा मेल्ट हो गया. ठीक है, तो आफ्टर मेल्टिंग ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. और ये कौन सा फॉर्म है? सॉलिड फॉर्म. बट बताओ दोनों का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आपको पता है ना, बोलो क्या होता है? H2O है तो ये वाटर, बट वाटर का यहाँ पर फॉर्म या अल्टीमेटली बोलो मैं स्टेट केवल चेंज हो रहा है. ठीक है ना, यहाँ बोलो क्या स्टेट है इसका? सॉलिड. और यहाँ पे क्या स्टेट हो गया? लिक्विड. बट क्या यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस या कोई नया प्रोडक्ट बना है? बिल्कुल नहीं. यहाँ पर जो H2O यहाँ पे है वही H2O यहाँ पर भी है, बट केवल इनके फॉर्म में, उनके स्टेट में चेंज हुआ है. कोई भी नया सब्सटेंस यहाँ पर फॉर्म नहीं हुआ है. दैट्स वाई हम इसको बोलेंगे, बोलो कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज. बोलो कौन सा चेंज है ये? फिजिकल चेंज. जैसे हम बात करें चॉपिंग ऑफ वुड, वुड को आप सिंपल चॉप करो अगर, तो उससे क्या होगा बोलो? अच्छा, वुड को अगर आप चॉप करने के बाद देखो उसका केवल साइज या उसका फिनिशिंग अपीयरेंस वो चेंज हो सकता है. ठीक है ना, बट क्या अल्टीमेटली जो उसका कंपोजिशन है या आफ्टर चॉपिंग क्या वहाँ पर कोई नया सब्सटेंस बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा आपको. उसका केवल साइज, उसका अपीयरेंस, उसका शेप चेंज कर सकते हो आप बस. ठीक है, चॉपिंग से आप उसका जो नया कोई प्रोडक्ट नहीं बना जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो याद रखना बात को, यह भी जो आपका चॉपिंग ऑफ वुड है वो भी क्या है आपका? फिजिकल चेंज होता है. ठीक है, अब देखिए जैसे मैं बोलूँ मेल्टिंग की बात हमने कर ली. अच्छा, इसका एक नेक्स्ट फर्दर एक टर्म होता है, हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन. क्या बोलते हैं बोलो? इवेपोरेशन. जैसे बोलूँ मैं वाटर का अगर इवेपोरेशन हुआ, ऑब्वियस बात वाटर बोलो किस फॉर्म में होगा? लिक्विड में. आपने इसको हीट किया तो ये क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया. इसका फॉर्म बोलो क्या हो जाएगा? वेपर्स में, गैसेस फॉर्म में हो जाएगा. अब बताओ यहाँ पर जो इवेपोरेशन हुआ यहाँ पर, ठीक है, इसकी किसका बोलो? वाटर का. लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हुआ, वेपर्स में कन्वर्जन हुआ. बोलो यहाँ पे क्या कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ क्या? यहाँ पर क्या कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है? बिल्कुल नहीं. यहाँ पे केवल चेंज क्या हुआ? इसका स्टेट चेंज हुआ, इसका फॉर्म चेंज हुआ है. अभी था लिक्विड फॉर्म में, अभी हो गया वेपर्स के फॉर्म में. तो हम इसको बोलो क्या बोल सकते हैं? किस टाइप का चेंज हो रहा है यहाँ बोलो? फिजिकल चेंज. कौन सा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज. तो आपको फिजिकल चेंज आई थिंक अब क्लियर हो जाएगा. जैसे आपसे मैं पूछूँ कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को आप फ्रीज करो, इसका रिवर्स, इस लिक्विड फॉर्म से आप क्या कर दो बोलो? इसको आइस में कन्वर्ट कर दो, फ्रीजिंग करो. मेल्टिंग हमने पढ़ लिया, फ्रीजिंग. बोलो फ्रीजिंग भी क्या है? क्या फिजिकल चेंज है? अरे बोलोगे, बोलो क्या ये फिजिकल चेंज है? बिल्कुल फिजिकल चेंज है. क्यों? आपको पता है यहाँ पर सिंपल कि ये फिजिकल चेंज होगा इसलिए यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा. इसलिए क्या है ये फिजिकल चेंज है. यहाँ पर केवल और केवल चेंज क्या हो रहा है? इसका स्टेट चेंज हो रहा है. ठीक है, फिजिकल चेंज नहीं होगा. आर यू गेटिंग और नॉट? तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को याद रखना यार कि फिजिकल चेंज में सिंपल कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा. ठीक है, और एक बात और बता दूं मैं सिंपल आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो फिजिकल चेंज होते हैं ना वो ईजिली क्या होते हैं? रिवर्सिबल हो सकते हैं. ठीक है, वो रिवर्सिबल हो सकते हैं. जैसे देखो आपने शेप चेंज किया कोई, आप उसको फिर उसी शेप में ला सकते हो. ठीक है, आपने मान लीजिए इसका फॉर्म चेंज किया, स्टेट चेंज किया, सॉलिड से लिक्विड किया, तो उसको आप लिक्विड से सॉलिड भी कर सकते हो. हाँ, सिंपल सी बात है. तो आप ये जो फिजिकल चेंज होते हैं हम बोलते हैं उनको दे कैन बी रिवर्सिबल. हाँ, मोस्ट ऑफ द वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात. और दूसरी बात, यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, यहाँ पे चेंज केवल आएगा उसके अपीयरेंस में, उसके साइज में, उसके शेप में. ठीक है, तो ऐसे टाइप के चेंजेस को हम बोलेंगे फिजिकल चेंज. क्या बोलेंगे बोलो? फिजिकल चेंज. जैसे आपसे मैं और सिंपल से एक बात बोलूँ, जैसे बोलूँ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ लाइक ग्राइंडिंग ऑफ शुगर. शुगर है, आपने उसको ग्राइंड कर लिया. ठीक है, तो आपसे बोलूँ मैं कि ग्राइंडिंग ऑफ शुगर. अब बोलो, अब बताइए आप मेरे को कि ग्राइंडिंग ऑफ शुगर कैसा चेंज होगा?
क्या ये फिजिकल चेंज है कि नहीं, इतना बताओ बस, ये फिजिकल चेंज है कि नहीं। देखो अब यहाँ पर शुगर था, ठीक है, आपने उसको ग्राइंड कर लिया। अच्छा, ग्राइंडिंग के बाद देखो क्या यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर केवल डिफरेंस क्या हुआ है कि उसका जो एक साइज़ था वो बहुत स्मॉल हो गया, एज अ पाउडर फॉर्म में हो गया है। ठीक है, आपने अगर बहुत ग्राइंड कर लिया है तो उससे क्या हुआ, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है यहाँ पर, केवल उसके साइज़ में, उसके अपेयरेंस में चेंज आया है। दैट्स वाई दिस चेंज इज ऑल्सो योर फिजिकल चेंज। ठीक है, तो ये भी बोलो कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज। तो आई थिंक आप क्वाइट फेमिलियर हो गए हो कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इनको कॉपी कर सकते हो। मेल्टिंग ऑफ आइस, चॉपिंग ऑफ वुड्स, हाँ, ग्राइंडिंग ऑफ शुगर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर या इवेपरेशन ऑफ दिस वाटर, ये सभी बोलो कौन से चेंज कहलाएंगे हमारे, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। ठीक है, चलिए, तो आपने आई थिंक ये कॉपी कर लिया होगा एग्जांपल्स। और फिजिकल चेंज का डिफिनेशन बोलने का उतना खास नीड है नहीं, आपको सिंपल मैं रिकॉल करा रहा हूँ। फिजिकल चेंज आप बोल सकते हो इट इज अ चेंज इन विच केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस डजंट चेंज, नेवर चेंजेस, ओनली चेंज कैन बी अकर इन फॉर्म ऑफ देयर शेप, साइज एंड अपीयरेंस। ठीक है, एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन दिस काइंड ऑफ चेंज। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ठीक है, एंड ये एग्जांपल्स आराम से आप दे सकते हो। और बहुत ही सिंपल बेसिक्स बात हम अभी कर रहे हैं, आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, और ये इसमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। और प्लीज़ आप लोग थोड़ा आराम से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस और रिएक्शंस एंड रिएक्शंस ही हैं आपके पूरी केमिस्ट्री में। आप धीरे धीरे जैसे 10th से 11th 12th सब करते जाओगे, ठीक है, तो आपको केमिस्ट्री में एक्चुअली आपको और जानने को मिलेगा कि आप लोग जो अल्टीमेटली केमिस्ट्री से ही आपका लाइफ घिरा हुआ है। आपकी लाइफ में जो भी कुछ चेंजेस होते रहते हैं, मोस्ट ऑफ द चेंजेस क्या होते हैं बोलो, केमिकल चेंजेस ही होते हैं, अल्टीमेटली केमिकल रिएक्शंस ही होती हैं वो, उनमें मैं आ रहा हूँ। अभी हमने बात की केवल और केवल बोलो किसकी, फिजिकल चेंज की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज, योर केमिकल चेंज। ठीक है, अब बताइए ये केमिकल चेंज क्या होता है। तो इसमें बोलूँ मैं, नाम से क्लियर है, केमिकल चेंज इट मींस उनकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज आएगा। कोई भी सब्सटेंस है अगर उसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर, अगर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो हम उसको बोल देंगे भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज। तब उसमें बोलो कौन सा चेंज होगा, केमिकल चेंज। उसमें अगर कोई भी नया सब्सटेंस बन गया, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई, तो हम बोल देंगे कि यहाँ पे जो भी चेंज हो रहा है वो किस टाइप का चेंज है बोलो, केमिकल चेंज। कौन सा बोलो होगा, केमिकल चेंज। तो इसका डेफिनेशन लिखने का अगर आपको मन कर रहा है तो आप लिख सकते हो सिंपल एक लाइन में, बोलो क्या लिख सकते हैं इसको हम, इट इज़ द चेंज या इन दिस काइंड ऑफ चेंज देर विल बी चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस ऑल्सो एज वेल एज अ न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, यहाँ पे नया सब्सटेंस भी बन जाएगा आपका, और केमिकल कंपोजिशन भी चेंज होती है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही तो कोई मतलब नहीं है, वो आपका फिजिकल चेंज ही होगा फिर। ठीक है, चलिए अब मैं इनको सिंपल फिर इसको अगेन हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। हाँ, चलो मैं पहले एग्जांपल की बात करता हूँ, बहुत बेसिक्स फंडामेंटल्स अभी हम पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ हैव पेशेंस। ठीक है, चलिए, तो बोलो पहला अगर बात करूँ केमिकल चेंजेस की, तो जस्ट बात कर लेते हैं हम, देखिए बर्निंग ऑफ वुड। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर वुड है, उसकी बर्निंग कर रहे हैं हम। ठीक है, उसको जब बर्न करते हैं तो ऑब्वियस बात, देखो क्या आपने इसको थोड़ा सा देखा होगा ना कि आफ्टर जब वुड की बर्निंग करने के बाद आपको क्या कोयला जिसको बोलते हैं ना, तो एक कार्बन का फॉर्म होता है वो, तो सिंपल एक कार्बन मिलता है। ठीक है, वो क्या कोयला फॉर्म मिलता है, तो क्या होता है कार्बन मिल गया। और अल्टीमेटली वुड आपको शायद पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि वुड जो अल्टीमेटली होता है आपका, मैं वुड का अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करूँ क्या होता है केमिकली फॉर्मूला इसका, तो एक्चुअली ये वुड के जो यूनिट होती हैं वो बहुत सारे स्टार्च से मिलके बनता है वुड। स्टार्च एक नाम आपने सुना होगा, स्टार्च। और स्टार्च को मैं अगर सिंपल वे में रिप्रेजेंट करना चाहूँ और उसके सिंपल यूनिट्स में, तो हम आते हैं स्टार्च एक्चुअली होता है आपका सुक्रोज का कॉम्बिनेशन, और सुक्रोज अल्टीमेटली सुक्रोज में हमारा होता है बोलो क्या, C6H12O6। सुक्रोज ऐसे मिलके बनता है, उसका एक फॉर्म है ये, इसको हम अल्टीमेटली आप जानोगे ग्लूकोज भी बोलते हैं, C6H12O6। तो
मैं वुड को अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ ना, तो आप बोल सकते हो कि वुड को भैया हम बाई केम के लिए अगर लिखना चाहते हैं तो ये फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ये कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। और एक बात बता दूं मैं आपसे, पहले आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस ईयर में भी, कि अगर ऐसा कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या होता है बोलो, कि इसके वन मॉलिक्यूल में 6 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी देयर, ठीक है। तो आपको ये सिंपल याद रखना है कि जो नंबर्स होते हैं सबस्क्रिप्ट में, क्या बोलते हैं इनको, सबस्क्रिप्ट, उनमें ये नंबर्स एक्चुअली आपको बताते हैं कि उसके एक मॉलिक्यूल में ये कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के, ठीक है। चलिए तो बताइए, यहाँ पर कार्बन है आपका, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। जब इसको आप सिंपल बर्न करोगे ना, तो पता है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। अब बताओ जो गैस निकली, यहाँ पे तो गैस नहीं थी, यहाँ पे सिंपल क्या था, ये ऑब्वियस बात है वुड है सॉलिड फॉर्म में, इसमें आपने इसको बर्न किया तो यहाँ पे CO2 गैस इवॉल्व हो गई, CO2 गैस निकल गई। इसका मतलब क्या हुआ सिंपल, क्या यहाँ पे नया सब्सटेंस बना है? बिल्कुल, यहाँ पर नया सब्सटेंस बन गया। इट मीन्स ये कौन सा बोलो चेंज होगा, केमिकल चेंज। यहाँ पर इसकी कंपोजिशन चेंज हो गई, उसका फॉर्मूला चेंज हो गया। यहाँ पे एक्चुअली ये वुड था, बट अभी ये वुड का ब्रेकिंग हो जाएगी, ब्रेकिंग के बाद कुछ मिलेगा, हम बात करेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपको ये CO2 गैस मिल गई, और शायद पता है कुछ मॉइस्चर भी मिलता है, मैं आता हूँ कि इसकी रिएक्शन क्या होती है बाद में बात करते हैं, बट अभी आपके लिए इतना काफ़ी है कि यहाँ पे नया सब्सटेंस मिल गया है CO2, और जिसका मीनिंग है सिंपल कि ये केमिकल चेंज होता है। तो बर्निंग ऑफ वुड इज अ सिंपल वाला क्या बोलो, केमिकल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लें इसका सिंपल सा, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग, एक्चुअली बर्निंग का मतलब ये होता है भैया, यहाँ पर बर्निंग अगर हो रही है तो केमिकल चेंज तो होने वाला है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल मान लीजिए बहुत ही एक रखी हुई कैंडल, उसको क्या करनी, बर्निंग कर रहे हैं हम, ठीक है, वो जल रही है। अगर तो ऑब्वियस बात है, देखो वहाँ पे क्या होगा कि वो जब बर्निंग होगी उसकी, तो बर्निंग वाला प्रोसेस जो होगा एक्चुअली पता है वो क्या होगा, यो केमिकल चेंज। यहाँ पर ऑब्वियस बात है, इस वैक्स में भी कार्बन होगा, तो कार्बन के थ्रू भी क्या, कौन सी गैस निकलेगी बोलो, CO2 गैस। और CO2 गैस अगर निकलेगी, इसका मतलब ये नया प्रोडक्ट बन गया, और नया प्रोडक्ट बना, इसका मतलब कौन सा चेंज हो रहा है बोलो, केमिकल चेंज। तो यहाँ पर कौन सा चेंज होगा, केमिकल चेंज। अच्छा एक बात, अगर हमने कैंडल की बात कर ली है तो एक बात आपको बताना चाहता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर एक्चुअली जब कैंडल बर्न होती है तो एक साथ यहाँ पर दो प्रोसेस चलते हैं, बोलो कौन कौन सा। एक तो बर्निंग होती है, और आपने अगर ध्यान से देखा हो तो उसी के साथ एक और प्रोसेस होता है, क्या बोलो, मेल्टिंग। मेल्टिंग ऑफ दिस वैक्स, मेल्टिंग ऑफ दिस कैंडल, मेल्टिंग ऑफ कैंडल, यहाँ से मेल्ट भी होता रहता है, ठीक है। अच्छा देखो, मैं आपसे बोलूँ कि मेल्टिंग ऑफ कैंडल कैसा चेंज है, तो आप क्या बोलोगे बताओ, मेल्टिंग हो रही है, यहाँ पर इसका स्टेट केवल चेंज हो रहा है, वैक्स का केवल स्टेट चेंज हो रहा है। मेल्टिंग कैसा प्रोसेस है बोलो, फिजिकल चेंज है। कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज। बट बर्निंग कैसा चेंज है, बर्निंग कैसा चेंज बोलो, केमिकल चेंज। तो आपसे मैं बोलूं कि यहाँ पर दो प्रोसेस हो रहे हैं, और दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हो रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि साइमल्टेनियसली दीज बोथ प्रोसेस, आई मीन दीज बोथ चेंजेस कैन बी अकर, ठीक है। एक साथ ही दोनों केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज हो सकते हैं, बट कोई एक प्रोसेस या कोई एक चेंज, ये दोनों चेंजेस नहीं हो सकते हैं। आराम से मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि कोई एक प्रोसेस हो रहा है, कोई एक प्रोसेस हो रहा है, वही प्रोसेस केमिकल चेंज हो और वही प्रोसेस फिजिकल चेंज हो, ये नहीं होगा, ठीक है। या तो वो फिजिकल चेंज होगा और या तो वो केमिकल चेंज होगा। हाँ, ये हो सकता है कि साइमल्टेनियसली दोनों चेंज हो सकते हैं, ऑब्वियस बात है, इन टू डिफरेंट चेंजेस, इन टू डिफरेंट प्रोसेसेस। लाइक यहाँ पर देखिए, ये कैंडल का बर्निंग है आपका केमिकल चेंज, बट कैंडल का मेल्टिंग कैसा चेंज है बोलो, फिजिकल चेंज, ठीक है। तो आपने सिंपल जान लिया यहाँ पर कि केमिकल चेंज क्या होते हैं, और उनके एग्जांपल्स हम बात कर रहे हैं, बर्निंग हो गया है जैसे देखो, और सिंपल सी बात करूँ, बहुत ही फेमस एग्जांपल डेली लाइफ में आप देखते हो, रस्टिंग।
बहुत ही कॉमन से एग्जांपल रस्टिंग। अब देखो कोई ब्लॉक है आयरन का, फ्रेश बढ़िया ताज़ा दिख रहा होता है, नया नया जब होता है, अब देखो कुछ दिन बाद जब उसको थोड़ा सा मॉइस्चर वगैरह मिलता है तो उसका कलर बहुत ही ब्राउन कलर बनने लगता है, हाँ उसका मास भी थोड़ा कम हो जाता है, उसमें बाद में बात करता हूँ मैं। तो अल्टीमेटली देखो क्या होता है कि आपका जो रस्टिंग है, रस्टिंग बोलो कैसा प्रोसेस है, कैसा चेंज है, केमिकल चेंज, आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है ये। रस्टिंग भी केमिकल चेंज हमारा होता है, ठीक है। जैसे आपका ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होता है, जो ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होता है वो भी बोलो कैसा चेंज होता है, आपका केमिकल चेंज होता है, ठीक है। या रॉटिंग होती है, जो रॉटिंग भी कैसा चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, ठीक है। और हम पहले ही बात कर रहे हैं, बहुत सारे केमिकल चेंजेस की बात हमने क्लास में स्टार्ट में कर लिया था, ठीक है। तो सभी वर्चुअली वो केमिकल चेंज ही होते हैं, ठीक है। तो क्या आई थिंक आप बहुत इतना सफिशियंट था आपके लिए कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं और उनके एग्जांपल्स आप जान गए हो। तो मैं आगे अब इसमें पढ़ रहा हूँ, हम लोग आगे कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग ये चेंजेस क्यों पढ़ रहे थे इसकी बात सिंपल से बता दूँ आपको मैं। ये चेंजेस पढ़ने का सिंपल मोटो हमारा यही था कि एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड चेंज की, जहाँ पर एक्चुअली केमिकल चेंज होता है ना, जहाँ भी अगर केमिकल चेंज हो रहा है, इसका मतलब याद रखना वहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस ज़रूर होगी। अगर केमिकल चेंज कहीं भी हो रहा है, मतलब वहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होनी ही है। तो आपको अभी पता चलेगा कि केमिकल चेंज का मतलब ही अल्टीमेटली क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल चेंज कैसे पहचान लोगे आप, तो जान गए कोई नया सब्सटेंस बन जाएगा, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल देंगे यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है, कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ फर्स्ट टर्म जो होता है आपका केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, तो आपने देखा अल्टीमेटली केमिकल रिएक्शंस आपके केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। बट केमिकल रिएक्शंस को जैसे देखिए, कई सारे केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने बात की यहाँ पर, कि कुछ हमारी कॉम्प्लिकेटेड केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट में वो लोग केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऐसा नहीं कि बस कुछ लोग आए और कुछ लोग मिल गए, बस कुछ बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे केमिकल चेंज होगा, अगर अल्टीमेटली वहाँ केमिकल रिएक्शन होगी, तो केमिकल रिएक्शंस की अगर बात करूँ मैं, देखो केमिकल चेंज हो रहा है मतलब ओरिजिनल पहले कुछ सब्सटेंस रहा होगा और कुछ आफ्टर चेंज यहाँ पर नया कोई प्रोडक्ट बना होगा, हमने बात की है पहले। तो देखो हम केमिकल रिएक्शंस को अगर एक थोड़ा सा समराइज करना चाहें, कैसे हम एक कॉपी में लिखेंगे उसको, इन शॉर्ट कैसे लिखना चाहेंगे, देखो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्चुअली इधर रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स, और फिर एक हम एरो लगाते हैं और इधर आपके राइट साइड लिखते हैं हम प्रोडक्ट्स। क्या लिखते हैं बोलो, प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब देखिए मैं हम बात क्या कर रहे हैं एक्चुअली यहाँ पर, हम लोग केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन शॉर्ट, वो मैं बता रहा हूँ एक्चुअली। इसको केमिकल रिएक्शन को या किसी केमिकल चेंज को जिस इन शॉर्ट मेथड हम जिस मेथड में रिप्रेजेंट करते हैं उसी को एक्चुअली हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। जैसे आपसे मैं सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए आपको एक असाइनमेंट दिया गया, भैया लैब में जाओ और एक एक्सपेरिमेंट दिया गया, आप ये एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था आपका और आप उसको कर रहे हो और शाम को आपके जो सीनियर है वो आए, बोले कि आपने बोलो दिन भर क्या किया, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, उसको डिटेल दो मुझे, ठीक है। उसके बाद बहुत कम टाइम है आपको सुनने के लिए, ठीक है। तो आप बताओ क्या करोगे, आपने कहानी स्टार्ट कर दी क्या कि सर मैंने पहले ये लिया, फिर मैंने वो किया, ये डाला, वो डाला, वो ऐड किया, वो ऐड किया, वो किया, वो किया, वो किया, वो किया, वो किया, वो किया, ये बना। ये कहानी सुनने का उसके पास टाइम नहीं है। तो फिर इनका क्या हुआ, किसी इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, इतनी बड़ी बड़ी केमिकल रिएक्शंस हैं, छोटी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, तो उनको सिंपल एक शॉर्ट फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सको तो उसके रिप्रेजेंटेशन को ही हम बोलते हैं एक्चुअली केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं बोलो, केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्चुअली आपके पास दो मेथड होते हैं। उसका जो पहला मेथड है, इससे मैं आपको बाय एग्जांपल इसको बता रहा हूँ कि मान लीजिए एक मैग्नीशियम, आप सब जानते हो Mg होता है इसका सिंबल, मैग्नीशियम को आप बर्न कर रहे हो, मैग्नीशियम रिबन है कोई, उसका बर्न करो आप, तो बर्न करने के बाद आपको ऑब्वियस बात है उसका एक वाइट पाउडर मिलता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। आप मैग्नीशियम रिबन लो, नीचे बर्नर लगाओ, उसको बर्न करो, आप बर्न करने के बाद पता है आपको वाइट वाइट का पाउडर मिलेगा और जो वो रिबन बर्न होगा ना, तो
वो बर्न होगा आपका एक वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ, ठीक है, वाइट डेजलिंग फ्लेम आएगी और उसके साथ वो बर्न होगा, बाद में आपको नीचे सिंपल एक वाइट पाउडर मिलेगा। तो ये मान लीजिए एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्लेन करना है किसी को इन शॉर्ट, तो आप क्या कर रहे हो ना, उसको सिंपल रिप्रेजेंट कर रहे हो इन फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके दो वेज हैं, मैं बता रहा हूँ। हम फर्स्ट वेज को बोलते हैं उसका वर्ड इक्वेशन, बोलो उस केमिकल इक्वेशन को क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन। और वर्ड इक्वेशन को सिंपल मतलब क्या है पता है, वही आपका सीनियर आया, आप क्या बोल रहे हो, नहीं हमने ये क्या किया, बोलो हमने क्या किया कि मैग्नीशियम लिया, ठीक है, हमने लिया मैग्नीशियम और क्या लिया बोलो, ऑक्सीजन, और उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट बना है उसको हमने क्या बोल दिया बोलो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बोल दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन लिया, बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर, ठीक है। तो आपने पहला काम क्या किया, हमको इस वे में लिख दिया वर्ड, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, वर्ड्स में लिखना केमिकल रिएक्शन को, वर्ड्स में लिखना इन फॉर्म ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग। आपको लेफ्ट साइड जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनको लिखना है, और दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं तो आपको सभी रिएक्टेंट्स के बीच में ये प्लस साइन से ऐड करना है कि ये लोग भैया मिल रहे हैं और कुछ बन रहा है, वो एक बन रहा है तो दैट्स ओके, अगर बहुत सारे बन रहे हैं तो उनको भी आपको प्लस प्लस करके लिखना है, ठीक है। और रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स की ओर जब जाएंगे हम तो ऐसे सिंपल हम ये एरो देते हैं, ठीक है। और मैं डिटेल्स में आ रहा हूँ कैसे केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, तो मैं पहला सिंपल फॉर्म बता रहा हूँ आपको भी, वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन में आपने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। बट इससे भी सिंपलर वे हो सकता है कोई दूसरा, बोलो क्या, कि इनके हम सिंबल्स जो होते हैं ना, तो इनके जो एलिमेंट्स हैं या मॉलिक्यूल्स, अल्टीमेटली बोलूँ मैं, इन मॉलिक्यूल्स को आप इनके फॉर्मूले के साथ, इनके सिंबल के साथ आप इसको लिखो अगर, तो कैसे लिखोगे सिंपल बोलो। मैग्नीशियम क्या होता है बताओगे, Mg होता है, ठीक है। ऑक्सीजन बोलो क्या होता है आपका, O2 गैस होता है। अब बोलो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इट्स फॉर्मूला इज MgO। तो देखिए आपने ये वर्ड इक्वेशन बोलते हैं और इसको सिंपल एक्चुअली सिंबॉलिक इक्वेशन बोलते हैं, और अल्टीमेटली हमको जो इस चैप्टर में या आगे भी केमिस्ट्री में जब तक आप पढ़ रहे हो इन्हीं रिएक्शंस का हेल्प लेना है, इन्हीं रिएक्शंस की सहायता लेनी है, ठीक है। इनको हम बोलते हैं एक्चुअली केमिकल इक्वेशंस, क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए, ये मैग्नीशियम का इधर कितना एटम्स है, ठीक है, बोलो कितना एटम है, ये जो एलिमेंट है उसका एटम यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, एक दिख रहा है, यहाँ पर बोलो कितना, एक दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। ऑक्सीजन पे आओ, ये कितने एटम दिख रहे हैं आपको, दो। आपको पता है ना, ये जो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि जो सबस्क्रिप्ट में नंबर लिखे होते हैं वो नंबर एक्चुअली बताते हैं कि इस एलिमेंट के यहाँ पर कितने एटम्स हैं, कितने बोलो, दो एटम है। ऑक्सीजन कितने एटम्स यहाँ पर हैं, दो एटम्स हैं, बट यहाँ पे ऑक्सीजन का बोलो कितना एटम है, ओनली वन। अच्छा, यहाँ पर दो एटम ऑक्सीजन के, वहाँ पर एक एटम ऑक्सीजन का, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इसका डबल मास होगा ऑक्सीजन का, वहाँ पर मास क्या होगा उसका, हाफ होगा। क्या बताओ, कभी ऐसा हो सकता है कि मास कंजर्व ना रहे, बिल्कुल नहीं, मास हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ मास। या एक्चुअली जो लिखा हुआ है इक्वेशन, ये एक्चुअली इस रूल को वायलेट कर रहे हैं, किस रूल को, कि कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ पे ये अप्लाई नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन का मास है दोनों साइड बैलेंस नहीं है, मास बैलेंस नहीं है, और आपने पढ़ रखा है पहले भी कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉ बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर मास को हम बना नहीं सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि यहाँ पर आप मास का बैलेंसिंग नहीं करो। तो इसलिए हम नेक्स्ट जो आपने शायद टर्म सुना, क्या बोलो, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग स्टार्ट करने वाले हैं, बोलो बैलेंसिंग किसका, बोलो किसी भी केमिकल इक्वेशन का। तो याद रखना ये केमिकल इक्वेशन जो है ये बिल्कुल आपको अच्छी नहीं लग रही होगी और लगनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं लगनी चाहिए, ये इक्वेशन जो मास कंजर्वेशन का लॉ है उसको फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। अगर ये इक्वेशन नहीं कर रही है फॉलो उसको, तो हम इसको फिर फॉलो कराने की कोशिश कर रहे हैं आगे, और पढ़ने वाले हैं क्या बोलो, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। सो प्लीज़ राइट डाउन द हेडिंग, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड्स के लिए खासकर, ठीक है। और बोर्ड्स के साथ साथ यार जब तक आप लोग ये केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो नेक्स्ट ईयर्स में भी, तो आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आनी चाहिए सभी की, और बैलेंसिंग आनी चाहिए, क्योंकि आप सभी रिएक्शंस को एक्चुअली बैलेंस्ड वे में ऐसा लर्न नहीं कर पाओगे। हज़ारों लाखों केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि आपको आगे बढ़नी है धीरे धीरे,
और रिएक्शंस को आप अगर ऐसे बिल्कुल बैलेंस्ड वे में याद करो, बिल्कुल नहीं, ऐसा है नहीं, तो बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बताने। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशंस? केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। अब देखिए आराम से हम लोग धीरे धीरे इस टॉपिक में बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे हम टॉपिक में बढ़ेंगे आपको थोड़ा और मज़ा आएगा केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं इनके, ठीक है, क्या उनका हमारी लाइफ में यूज़ होता है। चलिए, तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस में फर्स्ट जो स्टेप होता है, अच्छा मैं एक बहुत सिंपल सी अनबैलेंस्ड रिएक्शन आपका जो ये है, यही Mg प्लस O2, बोलो क्या बन रहा है यहाँ पर, MgO, इसको ले रहा हूँ एग्जांपल के वे में तौर में। और यहाँ पर देखो मैं फर्स्ट जो है स्टार्ट कर रहा हूँ स्टेप के, आपसे आपको ये जो बैलेंसिंग करनी है इसमें कौन कौन से स्टेप आपको लेने हैं, फॉलो करने हैं। तुमने पहला स्टेप है कि भैया जो भी लिखा हुआ है आपका स्केल्टन इक्वेशन बोलते हैं इसको, स्केल्टन मतलब अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। तो जो भी आपकी स्केल्टन इक्वेशन है या अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उसको आप चुपचाप ऐसे लिख दो पहली बार। इसके बाद क्या करो ना कि इनमें आप एक बॉक्स लगा दो, क्या लगा दो, एक डिब्बा लगा दो। डिब्बा इसलिए नहीं लगा रहे हो कि ये मिठाई है कोई और इस मिठाई को डिब्बे में पैक कर देंगे, कोई देख नहीं पाएगा, कोई दूसरा खा ना पाए, मैं ही खा पाऊँ, ऐसा नहीं है, सिंपल, ठीक है। इसको सिंपल करना क्या है, इसको डिब्बे में पैक करना है इसलिए कि ये ऐसी मिठाई है कि आपको इसको अंदर डिस्टर्ब नहीं करना है, एक भी पीस इसका लेना नहीं है और ना ही इसमें कुछ ऐड करना है, ठीक है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ एक्चुअली, याद रखना कि कोई भी कंपाउंड लिखा हो, कोई भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल कुछ भी लिखा हो, उसके फॉर्मूलाज में चेंज करने का आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है, ठीक है। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO होता है तो MgO होता है, आपने अगर बैलेंसिंग करना है तो बैलेंसिंग करने के लिए हमें कुछ नंबर्स ऐड करने होंगे अभी, तो नंबर्स का खेल जो भी हम खेलेंगे इस बॉक्स के बाहर खेलेंगे, अंदर हमको खेलने का कोई भी अधिकार किसी ने नहीं दिया है। आप ऐसा नहीं करना कि हमको टू यहाँ पर लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, कुछ करना है तो आपने अंदर टू कर देना है, ये टू कर देना है, ये सब नहीं करना है, ठीक है, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका MgO जैसा है वैसा ही रहेगा, हाँ हमको उनके बाहर नंबर्स में चेंज करना है, इन नंबर्स में चेंज करना है, जो लेफ्ट में ये नंबर्स हैं इन नंबर्स में हमको चेंजेस करने हैं। इन नंबर्स को इसलिए हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ठीक है, शायद आपने सुना हो नाम, और नहीं सुना है तो आपने आज ने सुन लेना है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अच्छा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होते हैं, सिंपल देखो, ये एक्चुअली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताते हैं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो चाहे रिएक्टेंट के हों या प्रोडक्ट के हों, ठीक है। इससे अगर मान लीजिए केमिकल रिएक्शन तो अभी अनबैलेंस्ड है, अभी मैं बैलेंस जब बताऊंगा आपको तो वहां पर बताऊंगा कि इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है इन कोएफिशिएंट्स का, बट आपके लिए अभी इतना मीनिंग समझ लो भैया कि जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिखा हुआ है उनके साइड में जो ये नंबर मिलेंगे इनको हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्या बोलते हैं बोलो, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो आपको जो खेलना है खेल किससे खेलना है, केवल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से खेलना है, इन फॉर्मूलाज के जो सब्सक्रिप्ट्स हैं उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब करने की आप कोशिश भी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसके क्या क्या रूल्स हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप आपको फॉलो करना है, बोलो क्या, हमने बात कर ली कि आपको डिब्बा बनाओ, डिब्बा बनाने का मतलब है अंदर छेड़छाड़ नहीं करना है। सेकेंड जो स्टेप लेना है आपको पता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं डिफरेंट टाइप के उनको आपको एक लिस्ट बनाना है, ठीक है, उनकी लिस्टिंग करनी है, और लिस्टिंग करने के बाद देखते हैं हम कुछ यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक है। और लिस्टिंग करने का मतलब क्या है, आपको दोनों साइड देखना है, इसलिए हम लोग बात क्या कर रहे हैं, इसका जो एक फंडा है बैलेंसिंग का हम पहले बात कर चुके हैं, क्या है, मास कंजर्वेशन, क्या है बोलो, मास कंजर्वेशन। इट मीन्स क्या है कि जिधर आई मीन योर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ साइड किसी भी एलिमेंट्स के जितने एटम लेफ्ट साइड होंगे उतने ही एटम्स राइट साइड होंगे, तो किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स नंबर ऑफ एटम्स होंगे बोथ साइड विल बी इक्वल, ठीक है। बस यही फंडा लगाना है और इसी फंडे के साथ आपको बैलेंसिंग बहुत ही ईजी वे से करना है, और इसके क्वेश्चंस बोर्ड्स में डायरेक्ट आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसको थोड़ा ध्यान समझेंगे। चलिए, एलिमेंट आपको लिस्ट करना है, जैसे मैं एग्जांपल बात करूँ, बोलो कितने कौन कौन है, मैग्नीशियम है, और कौन है, ऑक्सीजन है, और कोई है क्या, बिल्कुल नहीं। चलिए, ये हमारा रिएक्टेंट साइड और ये रहा हमारा प्रोडक्ट साइड,
रिएक्ट हैंड साइड बताइए मैग्नीशियम का कितना आइटम है, 1, प्रोडक्ट साइड कितना है, 1, ऑक्सीजन का रिएक्ट साइड कितना आइटम बोलो, 2, उधर कितना है, 1। अब हमको करना क्या बताओ, हमारा जो ध्येय है यहाँ पर जो मोटो है क्या है कि दोनों साइड जो बैलेंसिंग हो वो क्या हो, इक्वल हो नंबर ऑफ एटम्स की, किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ साइड विल बी इक्वल इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए, इसी मोटो को अपने दिमाग में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और देखो यहाँ पर 1-1 तो भैया मैग्नीशियम का काम हो गया है, मैग्नीशियम 1-1 है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ ऑक्सीजन कितना, 2, यहाँ पर कितना है, 1, क्या करो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या दोनों नंबर इक्वल हो जाएंगे, अरे हो जाएंगे। अगर आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, किधर, प्रोडक्ट साइड, तो जहाँ भी ऑक्सीजन है उसको 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई, बट कहाँ, इसके स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शंस में, इसके फॉर्मूला के अंदर नो छेड़खानी, ठीक है। तो आपको बाहर 2 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा याद रखना बात को, क्या जैसे आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन तो ठीक है 2 और 2, बट ऐसे मल्टीप्लिकेशन ने मैग्नीशियम को डिस्टर्ब कर दिया, मैग्नीशियम बोलो कितना हो गया अभी, 2 हो गया। और अगर मैग्नीशियम 2 है तो आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है कि आप इसको भी क्या करो बोलो, 2 करो। तो 1 × 2 कितना हो गया बोलो, 2। इट मीन्स अगर आपने रिएक्ट हैंड साइड मैग्नीशियम के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आपने यहाँ दिखाना भी है कि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए क्या आपके नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ साइड ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स आर इक्वल, यस दे आर इक्वल, दैट्स वाई यू हैव टू जस्ट चेक करिए लास्ट में, 2 mg, ठीक है, 2 mg सही है, 2O सब सही है, बहुत सिंपल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग के जो स्टेप्स हैं आपको यही फॉलो करने हैं, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अभी, तो आपको ये बिल्कुल प्रैक्टिस में आ जाएगा कि कैसे आपको बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। बोलो मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ कैसे बैलेंसिंग करोगे। फर्स्ट काम क्या है आपका, जो भी स्केलेटन इक्वेशन है, स्केलेटन मींस अनबैलेंस्ड इक्वेशन है जो, उसको आपको ऐसे लिखना है। और उसके बाद उन सभी जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनको क्या करो, एक डिब्बे में पैक कर दो, बोलो भैया इस मिठाई को हमको टच नहीं करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करो कि आप सभी एलिमेंट्स को, डिफरेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिस्ट में एक लाओ, और लिस्ट में लाने के बाद रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स चेक करो कि या दोनों बोथ साइड क्या है, इक्वल है कि नहीं, और इक्वल नहीं है तो बनाने का कर्तव्य आपका है और हम करेंगे भी, ठीक है। चलिए तो ये हो गया एग्जांपल, आपने शायद कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ इसका, देखते हैं कैसे बैलेंस करेंगे। चलिए और नेक्स्ट एग्जांपल इज वेरी सिंपल, लाइक यू आपकी बुक का ले रहा हूँ, आयरन Fe+H2O, Fe3O4+H2। देखिए यहाँ पे इसको, ये क्या है बोलो, आयरन है, ये वाटर है, Fe3O4+H2, ठीक है। अब इसको बैलेंस करते हैं हम लोग, क्या बैलेंस है क्या, देखो यहाँ पे Fe कितना है, 1, ये कितना है, 3, बिल्कुल बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, बैलेंस हम करेंगे इसीलिए यहाँ बैठे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला काम डिब्बा बना लोगे, डिब्बा बना लेना है। नेक्स्ट काम लिस्टिंग करो, लिस्टिंग करो, Fe है, कौन है, ऑक्सीजन है, और कौन है, हाइड्रोजन है, यही तीन है, यही तीन है। चलिए अब दोनों साइड हमको देखना है भैया, कौन कौन, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, ठीक है। चलो अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे पता चलेगा हम किस एलिमेंट की बैलेंसिंग से स्टार्ट करें क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन का आंसर करना है उसको हम आंसर किस एलिमेंट के बैलेंसिंग से स्टार्ट करें, तो सिंपल सा है, आपको वैसे धीरे धीरे जब बैलेंसिंग आप करने लगोगे तो आपको आइडिया चल जाएगा कहाँ से स्टार्ट करना। बट फिर भी आपके लिए अभी, जिस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा हों, जिस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा हों उस मॉलिक्यूल को आप ले लो, और उसमें भी जिसमें एटम्स सबसे ज़्यादा जिस एलिमेंट के हों उस एलिमेंट की आप बैलेंसिंग स्टार्ट करो। आपने सुना, जिस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स, आई मीन जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है ना उसको पकड़ो, और उसमें जिस एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा है उससे स्टार्ट करो, और इसे धीरे धीरे करते करते पहले एक करना फिर दूसरे करना, ठीक है, और फिर जो बाकी छोटे मॉलिक्यूल्स उनको बैलेंसिंग करना वो आ जाता है। हाँ एक बात याद रखना कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आप सबसे लास्ट में बैलेंस करना। लास्ट में बैलेंस करने का मतलब सिंपल ये है कि वो एक्चुअली दोनों साइड मैक्सिमम क्वेश्चंस में मैक्सिमम इक्वेशन में होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप उनको लास्ट में बैलेंसिंग करना आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बोलो Fe3O4 लेते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल है और उसमें भी देखो ऑक्सीजन कितना इधर, लेफ्ट हैंड साइड कितना, चलो पहले लिख लेते हैं Fe इधर कितना 1, उधर कितना बोलो Fe3, ओ बोलो इधर कितना है 1, उधर कितना ओ बोलो 4, H इधर कितना बोलो 2, उधर कितना बोलो 2। ये सही दिख रहा है मेरे को, बट ये तो बिल्कुल भी बहुत अजीब दिख रहे हैं। 1 3 1 4, व्हाट इज दिस, डोंट नो। आइए देखते हैं क्या है ये। देखो यहाँ पर Fe का रिएक्टेंट साइड क्या बोलो कितना है 1, ये प्रोडक्ट कितना है बोलो 3। सिंपल है, हमारा काम क्या है बोलो, इनको इक्वल करना, इन नंबर्स को इक्वल करना। चलिए कैसे इक्वल होंगे, सबने सीखा है बचपन में 3 से मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा 3 आएगा। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो अगर आपने यहाँ रिएक्टेंट साइड 3 से मल्टीप्लाई किया तो भैया ये बैठा हुआ है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो और ये डिब्बा बनाना ना भूलें, डिब्बा बनाना ना भूलें। अदरवाइज अगर डिब्बा आप नहीं बना रहे हो तो आपको दिमाग में रखना है कि हमको यहाँ पर छेड़खानी नहीं करनी है। चलिए ये 3 से हो गया, इसका काम ख़त्म, हाँ Fe बैलेंस हो गया। अब आते हैं ऑक्सीजन में, हमारा ये प्रोडक्ट साइड है ऑक्सीजन कितना बोलो 4, इधर कितना है 1, इसको सिंपल बोलो क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई, 4 4, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अगर आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो बताओ फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, बिल्कुल करोगे। अब बताइए ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यस बैलेंस हो गया। अच्छा क्या इससे हाइड्रोजन की हालत ख़राब हुई, हाँ ख़राब हुई, वो उसकी बैलेंसिंग बिगड़ गई। तो बनाते हैं भैया, देखो कितना हो गया ये 8, अगर आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया इसके भी 4 हो गया ना, 4 2 8, ये तो 8 हो गया, उधर वही 2 बाकी है, तो क्या करोगे इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 8 कर दो। ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। चलिए तो ये बैलेंसिंग हो गई है, प्लीज़ कॉपी करिए इसको। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, ऐसी आशा करता हूँ मैं। चलिए ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। बैलेंसिंग यार प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, आपको बड़ी बड़ी केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग बहुत जल्दी आ जाएगी, वो सब प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। इसे हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूँ, लाइक आपका चलो ग्लूकोज बनाते हैं, हाँ। चलिए कैसे बनता है आपको पता है सबको, CO2 होता है और कौन होता है वहाँ पर, H2O भी होता है। क्या बनेगा बोलो, ग्लूकोज का फॉर्मूला हमने पहले बात कर ली है, C6H12O6, और कौन निकलता है ऑक्सीजन का है जिसको हम लेते हैं सभी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग। पहला काम बॉक्स बॉक्स बना लोगे, बना लोगे। दूसरा काम स्टार्ट करते हैं आपका लिस्टिंग करना, कितना है कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और कोई है क्या, बिल्कुल नहीं है। चलिए रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, अब बोलिए कार्बन कितना। अच्छा बैलेंसिंग कहाँ से स्टार्ट करें हम, कोई बड़ा मॉलिक्यूल कौन है, ये बड़ा मॉलिक्यूल यहाँ से स्टार्ट करें। इसमें हाइड्रोजन कितना है बोलो, सबसे ज़्यादा है क्या, चलो वही फंडा लगा लेते हैं, अदरवाइज आप
कार्बन से भी स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि हमने बात कर चुके हैं, ओ और एच हम बाद में करते हैं, आप एच से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्या बोलते हो, एच से करेंगे आप? चलिए एच से करते हैं, इसको उठाते हैं और इसमें एच सबसे ज़्यादा है 12, तो 12 है, पहले आप लिख लो यार कार्बन कितना, ओ कितना है, कार्बन इधर आपका 1, कार्बन उधर कार्बन कितना 6, ऑक्सीजन इधर आपका कितना बोलो 2 and 1 3 है, उधर कितना ऑक्सीजन 6 to 8 है, हाइड्रोजन इधर कितना है 2 है, उधर कितना हाइड्रोजन 12 है। चलिए तो जैसा कि हमने बात की, स्टार्ट करते हैं किससे, हाइड्रोजन से करते हैं, तो बोलो क्या करोगे 2 into 6 कितना हो गया 12, जैसे आपने यहाँ रिएक्टेंट साइड 6 से मल्टीप्लाई किया वैसे ही आपको तुरंत इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। चलिए जहाँ आपने ऐसा किया तो देखिए एस बैलेंस हो गया, अब बात कर लेते हैं भैया कार्बन की, ठीक है, ऑक्सीजन बाद में बैलेंस कर लेना हो जाएगा, कार्बन बोलो इधर कितना है 1, उधर कितना है 6, सिंपल वे क्या है 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या नंबर इक्वल हो गए, हो गए, जहाँ आपने 6 से मल्टीप्लाई किया इसमें तो आपको इस वाले मॉलिक्यूल में भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए 6 कार्बन और कार्बन आपका बैलेंस हो गया, एच तो बैलेंस ही है, बचा क्या बैलेंसिंग के लिए बोलो ऑक्सीजन। अब देखिए अल्टीमेटली आपके पास ऑक्सीजन कितना कितना है दोनों साइड देखते हैं, कितना 6 to 12 12 6 18, तो एक्चुअली दिस इज 18, अगेन दिस वन 6 to 8 8 है। अब इसको बैलेंस कैसे करें बताओ, ये 18 है ये 8 है, तो बोलो क्या करोगे, ये एक्चुअली 18 बना मतलब कैसे 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद ना, तो आपको उसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्यों, यहाँ पर ये 3 था आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तभी 18 आया ना, तो आपको इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा तभी आएगा 48 आ जाएगा, तो ठीक है। बट देखो यहाँ पे आप इधर 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, ये कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या ये बैलेंस्ड है कि नहीं, देखो 6 to 12 6 18 6 to 12 6 18, तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों ही ये बैलेंस्ड हो गए हैं, ठीक है। तो 6 वो थे 2 8, 6 मल्टीप्लाई करने के बाद इधर भी आपका हो गया टोटल बोलो कितना 18। तो अब देखिए ज़रा गौर से, कार्बन 6 6, ऑक्सीजन 18 18, हाइड्रोजन 12 12, तो आपको देखिए सिंपल आपको शायद लग रहा हो कि सर इतना इजी है, क्या बार बार स्टेप बता रहे हैं, बट आपको ये बैलेंसिंग धीरे धीरे जैसे जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये बहुत ही इजीली आपको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको, आप तुरंत हिट करोगे भैया यहाँ पे 6 हो यहाँ 6 वहाँ 6 छोड़ो बैलेंस हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, चलिए बैलेंसिंग के कुछ एग्जांपल्स, लाइक मैं आपको एक रिएक्शन बता रहा हूँ यहाँ पे, चलिए यही लेते हैं H2SO4 plus AlOH 3, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O, देखिए ये रिएक्शन है, ठीक है, इसलिए बोलो ये क्या है, एसिड है, ये क्या है बोलो, इनको बेस बोलते हैं ना, जहाँ पे OH होता है उसको क्या बोलते हैं बोलो, बेसिस, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर आपका है एसिड बेस सॉल्ट, ठीक है। तब याद में कोई भी एसिड और बेस जब मिलता है ना हमेशा सॉल्ट बनता है, ये क्या है, सॉल्ट एंड वाटर, हमेशा सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ये हम रिएक्शन पढ़ेंगे, एक टाइप होता है न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। चलिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं इसकी बैलेंसिंग की, तो उसी पे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे इसकी वही आप सिंपल करोगे, डिब्बा बनाओगे, बाद में लिस्ट करोगे इसको सभी एलिमेंट्स को,
और वही स्टार्ट करोगे इधर कितना उधर कितना। अब देखो इसको थोड़ा सा ऐसे देखते हैं, डायरेक्ट देखोगे बोलो, या आप लिख लो इसको चाहे। देखो यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है, दो है ना। हमने बात की क्या है कि हम कहाँ से बोलो स्टार्ट करेंगे, जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल होगा, तो बोलो इसमें सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कौन है आपका, ये एल्युमिनियम सल्फेट। इनके नाम अच्छा समझ आपको याद रहेगा ना, ये क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है एल्युमिनियम सल्फेट, सॉल्ट होता है ये, ठीक है। और ये तो पता आपको पानी है, वाटर है, ठीक है। चलिए तो सिंपल देखो यहाँ पे, ये आपका जो एल्युमिनियम सल्फेट है सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है, है इसमें देखो आप अगर देखो इस सल्फेट को आप ऐसे ले लो ना SO4 के फॉर्म में, ठीक है। आपने रेडिकल्स पढ़े होंगे क्लास 9th में, सल्फेट आयन रेडिकल बोलते हैं, तो सल्फेट आयन SO42- होता है, ठीक है। अब देखो सल्फेट आयन इधर कितना बोलो, ये 3 है, तो आप क्या करो ना, इधर जो सल्फेट आयन है इधर तो 1 ही दिख रहा है, क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया 3-3 हो गया। इधर देखो एल्युमिनियम कितना है 2, तो क्या करो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2Al हो गया, 3 सल्फेट हो गया। अब देखिए H और ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, देखो हाइड्रोजन देखो कितना हो गया 6 यहाँ से और 6 यहाँ से, 12 हाइड्रोजन, इट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय दिस 6, तो 12 हाइड्रोजन उधर भी हो गया। ऑक्सीजन देखो लास्ट में 4 3 12 एंड 6 18, 6 ये और 12 ये 18, ठीक है। सब देखो बैलेंस है, सब बैलेंस है, ऑक्सीजन सल्फर एल्युमिनियम हाइड्रोजन, ठीक है, सभी एलिमेंट्स यहाँ पर बैलेंस हो गए हैं। तो ये हो गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने एक रिएक्शन लिखना है नेक्स्ट, आई थिंक ये बहुत क्लियर हो गया होगा, मैं आपको और एक बताता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। बैलेंसिंग आपको इसे प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके बुक में भी और आपको शीट मिलेगी उसमें भी होंगे। जैसे एक सिंपल लास्ट एक मैं बैलेंसिंग बता रहा हूँ यहाँ पे, बहुत इजी सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है N2+H2=NH3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना 2, उधर कितना है 1, क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन कितना है 2, उधर कितना है 6, क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है। अब देखो NH दोनों बैलेंस्ड बैलेंस हो गए। अब देखो मैं आप क्या बताने जा रहा हूँ एक्चुअली, देखो ये केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस है, अच्छी लग रही है, सब सही है, बट अभी पता है यहाँ पर ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट जैसा लग रहा है, क्यों पता है, ये जो एलिमेंट्स हैं ना, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनका जो सब्सटेंसेस हैं, इन सब्सटेंसेस का एक्चुअली फिजिकल स्टेट क्या है वो स्टेट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये बहुत अधूरी सी लग रही है रिएक्शन, ठीक है। तो क्या करो आप इनका स्टेट लिखना स्टार्ट करो। तो याद रखना आज से हम जब कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो उनके साइड में हम उनकी स्टेट्स लिखते हैं, कैसे लिखते हैं आपको बता दूं मैं सिंपल। यहाँ पर देखो ये है आपका सल्फ, आई मीन एस अगर लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं सॉलिड, क्या बोलते हैं सॉलिड। अगर आपका ब्रैकेट में एल लिखा हुआ है इसको बोलते हैं लिक्विड, और ब्रैकेट में अगर जी लिखा है इसका मतलब ये क्या है गैस। तो सॉलिड के लिए हम लास्ट में ऐसे लिखेंगे, लिक्विड के लिए हम लास्ट में ऐसे लिखेंगे, और गैस के लिए लास्ट में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और एक बात होता है यहाँ पर एक्वस, एक्वस का मतलब होता है पानी के साथ मिला हुआ, ठीक है, पानी के साथ मिला हुआ, वाटर के साथ कोई भी अगर मिला हुआ है तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं हम एक्वस फॉर्म है उसका। जैसे मान लो KOH है, KOH को पानी में डाल दो तो जो बनेगा उसको बोलेंगे एक्वस KOH, यानी कि पानी के साथ मिला हुआ KOH, ठीक है। देखो यहाँ पर जो एक्वस को हम शॉर्ट में लिखते हैं एक्चुअली AQ, क्या लिखते हैं बोलो AQ, तो एक्वस मीन्स हम बाद में आप शॉर्ट में लिखोगे AQ, AQ अगर आपको मिल जाए तो समझ लेना कि वो पानी के साथ मिला हुआ कौन सा फॉर्म है, एक्वस फॉर्म है, ठीक है। तो ये सिंपल आपको कुछ याद रखना है ऐसे टर्म्स में हमको यूज़ करके हम इसको थोड़ा और सुंदर बनाते हैं केमिकल इक्वेशन को, ठीक है। और एक बात सुन लो, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई आपका प्रोडक्ट साइड कोई गैस इवॉल्व हो रही है, गैस निकल रही होती है ना, तो हम उसको लास्ट में गैस के बाद ऐसे सिंबल के साथ ऐसे एरो के साथ दिखाते हैं कि यहाँ पर ये गैस निकली है, इसका मतलब सिंपल कोई गैस निकली है उसका ये प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो आपको ये सब सिंपल छोटी छोटी बातें याद रखनी है। जैसे मैं इसको मैं अगर थोड़ा सा संपूर्ण करना चाहूँ, कंप्लीट करना चाहूँ, देखो कैसे करेंगे,
N2 बोलो क्या होती है, गैस। H2 क्या है बोलो, गैस। अमोनिया क्या है बोलो, गैस। ठीक है, और एक बात बता दूं आपको मैं, एक्चुअली देखो आप, हमने अभी तक इस एरो के बारे में बात की है, बट जो ये रिएक्शन मैं बात कर रहा हूँ ना, इस रिएक्शन की, एक्चुअली इस रिएक्शन में ये एरो नहीं होता है, ये वाला एरो होता है। ठीक है, ये एरो का मतलब सिंपल होता क्या बताए, ये एरो एक्चुअली बताता है कि ये रिएक्शन एक्चुअली रिवर्सिबल है। आपने शायद अभी ऑब्वियस बात सुना नहीं होगा, हम लोग नेक्स्ट हायर क्लासेस जाएंगे 11th 12th में, तो वहाँ हम चैप्टर पढ़ेंगे, हाँ तो वहाँ जानेंगे कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, तो याद रखें रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब सिंपल होता है कि ऐसी रिएक्शन जो रिवर्स भी हो जाए, विच कैन बी रिवर्स्ड। ठीक है, विच कैन बी रिवर्स्ड। रिवर्स कैसे, ऑब्वियस बात है कंडीशंस हम लोग ऐसे देंगे जिससे वो रिएक्शन रिवर्स हो गए। कैसे, मान लीजिए देखिए यहाँ पर ये है, तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलके बनाएंगे अमोनिया गैस। ठीक है, अगर उसको हम मान लीजिए ऐसी कंडीशन दे दें जिससे ये रिएक्शन रिवर्स हो जाए कि अमोनिया का ब्रेकिंग हो जाए, किसमें N2 और H2 में, तो हम बोलेंगे ये रिएक्शन इधर भी आ सकती है और रिएक्शन ये इधर भी आ सकती है। तो ऐसे टाइप के हम रिएक्शन को बोलते हैं क्या बोलो, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, और रिवर्सिबल रिएक्शंस को एक्चुअली हम लोग इस एरो वाले सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, दैट्स वाई आप यहाँ पर ये सिंबल देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग ये सब फॉर्म में लिखेंगे अगर इक्वेशन को तो अच्छा लगेगा। ठीक है, और एक बात यहाँ पर मान लीजिए कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रेसिपिटेट को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं PPT, प्रेसिपिटेट। तो अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है ना, तो जैसे हमने गैस जब कोई इवॉल्व हो रही थी हम उसको ऐसे कर रहे थे ना, तो पीपीटी को हम ऐसे दिखाते हैं इस फॉर्म में। अगर ऐसा लिखा हुआ है किसी के बगल में साइड में, तो आप समझ जाओ कि वो भैया प्रेसिपिटेट है, वो फर्दर डिजॉल्व नहीं हो सकता है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। विच कान बी डिजॉल्व फर्दर, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, PPT इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये भी एक सिंबल आपको याद रखना है, ऐसा बनाना है, इसका मतलब वो PPT है। ऐसा आपके लिए PPT क्या होता है याद नहीं करना आपको, अभी सिंबल ये मिलेंगे तो उनसे आपको अच्छे से मिलना है कि हाँ तुम भैया PPT हो। ठीक है, चलिए तो ये सिंपल हमने भी बात की अभी केवल बैलेंसिंग की, और आई थिंक बैलेंसिंग के कुछ क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे तो आपके लिए सफिशिएंट बैलेंसिंग कैसे करना है वो हो जाएगा। और अभी हम लोग जो नेक्स्ट इसका पढ़ेंगे वो केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उन टाइप्स के पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक्चुअली आपने भी केमिकल रिएक्शन कैसी होती है वो देख लिया है, बैलेंसिंग जान लिया है। अब मैं आपको एक टर्म बताता हूँ, उसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप्स में। तो देखो हमने अभी पढ़ा था केमिकल चेंज अगर हो रहा है मतलब वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है, लेकिन आप एक्चुअली कैसे जानोगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, हाँ केमिकल रिएक्शन हो रही वहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके कुछ यहाँ पे सिंपल साइंस होते हैं जिन साइन के थ्रू आप जान पाओगे कि यहाँ पे देखो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो सकती है या होती है। ठीक है, तो जैसे केमिकल रिएक्शन कहाँ कहाँ हो सकती है उनके कुछ कुछ साइन हैं, कैसे कैसे, जैसे फर्स्ट बोलूँ मैं तो उसको बोलते हैं हम यहाँ पर कि चेंज ऑफ कलर। क्या बोलो, कलर चेंज। अगर कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो सकती है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, हो सकती है, अल्टीमेटली बोलूँ मैं वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो देखो चेंज ऑफ कलर, इसका मैं एग्जांपल बोला जो आपको अगर फर्स्ट बोलूँ एग्जांपल चेंज ऑफ कलर का कोई एग्जांपल दो, तो देखो जैसे यहाँ पर आपका लेड नाइट्रेट होता है ना, लेड नाइट्रेट, अभी हम लोग ये रिएक्शन पढ़ेंगे आराम से, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट को अगर आप लैब में हम एक सिंपल टेस्ट ट्यूब में लें और लेड नाइट्रेट को लें, उसको हीट करें बर्नर के थ्रू, पता है हीट करने के बाद यहाँ पे जो मिलता है वो लेड ऑक्साइड मिलेगा। अच्छा अभी भाई ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, और ये भी सॉलिड ही बनेगा, लेड ऑक्साइड बन, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और ऑक्सीजन गैस भी मिलती है। ठीक है, इसकी बैलेंसिंग आप कर लोगे बहुत अच्छे से। देखो यहाँ पर ये दो है तो ये इसको दो करना होगा, फिर दो पी बी तो ये टू कर दो, या
आपको मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ बैलेंसिंग, आप ऑब्वियस बात कर लोगे इसको। 2 PBO ये कितना आ गया, 4 आ गया, 2 2, दैट्स इट। वो तो बैलेंस हो गया, 4 2 8, 2 10 2 12, 6 हो गया, हाँ ठीक है, ये बैलेंस हो गए। और सबका स्टेट भी लिखा होगा, ठीक है, इसका मतलब होता है इसको हम हीट दे रहे हैं, ये डेल्टा का साइन होता है, हीट दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हम कुछ भी हीट दे रहे होते हैं मान लीजिए, तो हम उसको बोलते हैं, हम उसको हीट कर रहे हैं, डेल्टा दे दो साइन ऊपर, ठीक है। अगर मान लीजिए वहाँ पे कितना टेम्परेचर है, आपको टेम्परेचर लिखना है उस केमिकल रिएक्शन का, या उसमें कितना प्रेशर लग रहा है वो लिखना है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन हम इस एरो के आसपास ही देते हैं, ऊपर नीचे ही लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई टेम्परेचर है तो आप यहाँ पर लिख दो 400 केल्विन, 300 केल्विन, जो भी टेम्परेचर है। कुछ प्रेशर है मान लीजिए 400 ATM है, 200 ATM है, 50 ATM है, जितना भी प्रेशर है वो भी आप इस एरो के ऊपर नीचे लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हमारी पूरी कंप्लीट एक्चुअली इक्वेशन अच्छी लगती है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन देती है रिएक्शन कि हमारा ये भी इन्वायरमेंट है, ठीक है। चलो, तो मैं इसे क्या बोल रहा हूँ एक्चुअली, कि जो ये रिएक्शन है, तो एक्चुअली यहाँ पे देखो, ये जो NO2 है ना, इसका ब्राउन कलर का फ्यूम निकलता है, ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स निकलती है यहाँ पे, ब्राउन फ्यूम्स निकलती है, ठीक है। तो ऐसे हम पहचानते हैं यहाँ पे कलर चेंज, यहाँ तो ब्राउन नहीं था, ठीक है। आप इसको हीट करोगे तो जो टेस्ट ट्यूब है ना, टेस्ट ट्यूब के ऊपर ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलेंगी, तो उससे हम जान जाएंगे यहाँ पे क्या चेंज हुआ, बोलो, कलर चेंज हुआ है। तो कलर चेंज के थ्रू भी हम केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो उसका एग्जांपल आप प्लीज़ कॉपी कर लीजिए इसको, मैं आगे बात कर रहा हूँ सेकेंड इसका, कैसे हम साइन है वो सेकेंड एक कैसी कंडीशन है जिसे पहचानेंगे वहाँ पे केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन अल्टीमेटली हो रही है, ठीक है। प्लीज़ कॉपी करिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका, वो है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होगा हम कैसे जानेंगे, ठीक है। बस का सिंपल सा इसका एग्जांपल है, एक्चुअली जितने एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ ये सभी आपको NCERTs में एज अ एक्टिविटी दी हुई हैं, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 1.2, 1.3, 1.4 ये सब ऐसे दिया हुआ है, तो आपको ऐसे ही बोर्ड से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस की शो एन एक्टिविटी इन विच यू कैन एस्टिमेट दैट देयर इज़ अ इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाँ, या देयर इज़ अ चेंज इन टेम्परेचर, या देयर इज़ अ चेंज इन कलर, ये समथिंग बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं आपको NCERTs में पढ़नी है बोर्ड्स के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये सभी एक्टिविटीज़ हैं, आपको सिंपल उसी वे में लिखना है कि वी टेक दिस, ये किया वो किया, ये बन गया, ठीक है, ऐसे फॉर्म में लिखना है हमको, ठीक है। जैसे मैंने बात की यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर आपको देखना है अगर, तो देखो इसको हम क्या करेंगे कि लाइक आपका एक रिएक्शन होता है कैल्शियम ऑक्साइड, आप जानते हो, ठीक है, इसका नाम तो कैल्शियम ऑक्साइड है केमिकली, बट इसको हम जनरल जो बहुत कॉमन नेम से जानते हैं उसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, क्या बोलते हैं बोलो, क्विक लाइम। इसमें आपने सिंपल क्या करना है पता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसमें आप क्या ऐड कर दो, वाटर ऐड कर दो, पता है क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस, ऑब्वियस बात ये एक्वस सोल्यूशन बनेगा, एक्वस मतलब पानी के साथ मिला हुआ एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। CaH को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या बोलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम शॉर्ट में या सिंपल में बोलूं जनरल फॉर्म में इसका नाम बोलते हैं ना, हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम, ठीक है। ये है क्विक लाइम, ये है स्लैग्ड लाइम। तो इसमें होता क्या है ना, जब आप ये रिएक्शन परफॉर्म करोगे लैब में, ध्यान रखना बात को, कोई बीकर है, इसमें वाटर है, आपने इसमें ऐड किया बोलो क्या, CaO, जैसे इसमें ऐड करोगे ना, पता है आप ऐड करने के बाद कुछ देर बाद देखोगे तो जो इस बीकर का जो टेम्परेचर होगा ना वो क्या होगा पता है, इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब पता है, यहाँ पर कुछ हीट भी निकली है, और अगर किसी रिएक्शन में हीट निकलती है तो याद रखना ऐसी टाइप्स ऑफ रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई थिंक आप शायद फैमिलियर हो इस टर्म से, क्या बोलते हैं बोलो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है, उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई थिंक क्लियर है, ठीक है। तो ये भी आपकी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे आप देखो क्या हुआ, चेंज इन
टेम्परेचर, क्या हुआ यहाँ पर, चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया बीकर का, तो आपने ऐसे पहचाना कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई होगी और श्योर हुई है, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट मैं इसका बता रहा हूँ आपको, या आपने कॉपी करना है प्लीज़ कॉपी करिए इसको। चेंज इन कलर हो गया, फिर चेंज इन टेम्परेचर हो गया, तो नेक्स्ट हमको पढ़ना है इसमें एक और एक इसका एक सिंपल आइडेंटिफिकेशन है भाई, हम बात कर रहे थे अभी इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, आई मीन गैस का इवोल्यूशन, गैस निकलेगी तो इसका देखो सिंपल मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये भी आपका एक्टिविटी है, ठीक है। उसमें क्या होता है सिंपल, आप क्या बोलते हैं, एक बीकर में आपने क्या लिया, वाटर है, मान लीजिए आपके बीकर में क्या है, वाटर है, ठीक है। अल्टीमेटली बोलूँ मैं इसमें आपने क्या ऐड करना है, जिंक की ग्रैनुल्स, जिंक होता है ना आपका, जिंक का ग्रैनुलर फॉर्म मतलब सिंपल एक स्मॉल स्मॉल इसके पीसेस होंगे, उसको आप इसमें ऐड कर दो, डाल दो जिंक, डाल दो भैया जिंक का ग्रैनुलर फॉर्म ऐड कर दो और इसको आप पूरा क्लोज कर दो, ठीक है। इसको आप पूरा क्लोज कर दोगे, यहाँ पे कॉर्क लगा हुआ है, कॉर्क से क्या होगा, कॉर्क से आपका एक गैस रिलीज होती है, गैस, उस गैस के पास अगर आप कोई बर्निंग कैंडल ले जाओगे ना तो पॉप साउंड आता है, पॉप साउंड आने का सिंपल सिंबल है आपको शायद पता होगा, पॉप साउंड अगर किसी गैस के पास बर्निंग कैंडल ले जाने से आता है मतलब वो गैस, बोलो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो जब हम जिंक ग्रैनुल्स में आपका सल्फ्यूरिक एसिड क्या ऐड करते हैं, बोलो सल्फ्यूरिक एसिड, ये वाटर नहीं था सॉरी, ये हमारा क्या था बोलो, सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक की ग्रैनुल्स हैं, इसमें आपने ऐड करना है बोलो क्या, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जब जिंक ग्रैनुल्स में हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, ठीक है, तो ऐड करने के बाद इसमें आपने देखना है कि इस कॉर्क के थ्रू कोई गैस इवॉल्व होगी और उस गैस को अगर आइडेंटिफाई करना है आपको कि कौन सी गैस है, तो आप क्या करोगे, सिंपल बर्निंग कैंडल ले जाओ और पास में अगर जैसे ले जाओगे बर्निंग कैंडल तो आपको पॉप साउंड सुनाई पड़ेगा, तो इसका मतलब वो गैस बोलो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। तो अगर हम इसको बाई केमिकल इक्वेशन दिखाना चाहें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पता क्या लिखोगे, H2SO4 प्लस जिंक, बोलो क्या बनेगा, ZnSO4 और H2 गैस, ये H2 गैस इवॉल्व हो गई। तो यहाँ पर बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस वी कैन आइडेंटिफाई दैट देयर इज अ केमिकल चेंज एंड अल्टीमेटली देयर विल बी अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये एक्चुअली कुछ आइडेंटिफिकेशंस थे जिससे आप एक्चुअली जान पाओगे कि यहाँ पर केमिकल चेंजेस या अल्टीमेटली केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। तो ठीक है, ये आज का लेक्चर था और हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में अल्टीमेटली हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, हाँ उन रिएक्शंस में क्या क्या टाइप है और क्या क्या यूज़ है, और धीरे धीरे आगे हम चैप्टर में बढ़ेंगे। तो आपका ये आज का ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, आई मीन ये लेक्चर था, ठीक है। और इसमें हमने जो भी पढ़ा उसको मैं एक रिकॉल कर रहा हूँ दो मिनट में, बोलो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा इसमें कि एक्चुअली केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होते हैं। तो याद रखना फिजिकल चेंज बेटा वो होते हैं जहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, केवल और केवल उसका अपीयरेंस, उसका साइज, उसका जो एक शेप है वो चेंज होता है, ठीक है। जैसे उसके एग्जांपल से हमारे बोलो क्या मेल्टिंग था, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ दिस कैंडल, हाँ, या सिंपल में बोलूँ उसका जैसे कोई इवेपरेशन ऑफ दिस वाटर लिक्विड, ठीक है, वो सब क्या थे बोलो, फिजिकल चेंजेस थे। आप चॉपिंग ऑफ वुड, वो भी क्या था बोलो, फिजिकल चेंज था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था केमिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होता है बोलो, जहाँ पर हमारा कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होने के साथ साथ वहाँ पर उसका कंपोजिशन, ऑब्वियस बात है केमिकल कंपोजिशन भी चेंज होगा, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। एंड रिमेंबर, अगर कहीं पर केमिकल चेंज हो रहा है तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन तो होना ही है, केमिकल रिएक्शन हुई है, दैट्स व्हाई केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन जहाँ होता है वहाँ केमिकल रिएक्शन होती है। अब चलो केमिकल रिएक्शन होती क्या है, जहाँ पर केमिकल चेंज होता है। अब केमिकल रिएक्शंस को देखो, हमको रिप्रेजेंट करने के तरीके यहाँ पर सिंपल दो बताए गए हैं, जिनमें से एक बहुत कॉमन है जिसको हम यूज़ करते हैं केमिकल इक्वेशन सिंबॉलिक मेथड। एक है हमारा
वर्ड मेथड, वर्ड इक्वेशन, और एक को बोलते हैं सिंबॉलिक इक्वेशन। तो सिंबॉलिक इक्वेशन को ही हम यूज़ करेंगे पूरे चैप्टर में, एंड देन आगे भी हम जब तक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो ये था हमारा केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके। देन हमने पढ़ा किसी भी इक्वेशन को कैसे लिखना है। लेफ्ट साइड आपके रहेंगे रिएक्टेंट्स, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं ना उनको उनकी स्टेट के साथ और उनके बीच में प्लस साइन के साथ लिखना है। देन आपको एरो बनाना है। अगर वो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है, मैं इसकी बात ज़्यादा नहीं करूँगा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की, अगर वो रिवर्सिबल नहीं है तो आप सिंपल एक सिंगल एरो दोगे आप उसको, और नेक्स्ट आप उसको आगे लिखोगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका स्टेट और उनको प्लस साइन के साथ लिखना है, ठीक है। अब कुछ कंडीशंस हैं अगर लाइक टेम्परेचर और प्रेशर कितना है, वो सब आपको एरो के आस ऊपर नीचे लिखना है। अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो आपको ऐसा एरो देना है, और कोई अगर PPT बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो आपको उसको नीचे एरो देके बताना है, ठीक है। और कोई भी केमिकल इक्वेशन को प्लीज़ आप उसको बैलेंस्ड इक्वेशन में ही लिखोगे, ठीक है। और बैलेंसिंग के तरीके हमने जान लिए, बहुत सिंपल है, हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं उसको। पहला काम है उसको डिब्बे से पैक करना, अंदर छेड़छाड़ नहीं करना उसको सिंपल। सेकेंड टर्म में क्या करो, सेकेंड स्टेप में क्या करो बोलो, उसको जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उसको लिस्ट कर लो, और लिस्ट करने के बाद सिंपल उनके नंबर्स लिखो एटम्स के, दोनों साइड कितने हैं, और उन एटम्स के नंबर्स को ही हमको बैलेंस करना है। अल्टीमेटली उनका मास बैलेंस होगा तो मास कंजर्वेशन लगेगा, दैट वाज द एक्चुअली योर मोटो, ठीक है। तो हम इसीलिए जब कर रहे थे बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग ऐसे हम करेंगे, और प्रैक्टिस करने से आपको बैलेंसिंग बहुत ईजिली आ जाएगी, ठीक है। तो और बैलेंसिंग के बाद हमने लास्ट में एक टर्म पढ़ा यहाँ पर सिंपल, कि कहीं भी केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कैसे कैसे हम पहचान सकते हैं, कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो उसके हमारे तीन हमने बहुत बात की एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे पहला था हमारा चेंज इन कलर, ठीक है, फिर देन हमारा था बोलो क्या चेंज इन टेम्परेचर, और लास्ट हमारा है इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। तो ये हमारे थे फर्स्ट लेक्चर से कुछ टॉपिक्स जो हमने पढ़े इसमें। देन सेकेंड हम लोग नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस के जो टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इसका बैलेंसिंग का, और आपको शीट भी मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।